नमस्कार आई एम हरप्रीत कौर एंड ए वेलकम यू ऑल वेरी वॉमली टू आर लाइव एंड इंटर एक्टिव सेशन जी हाँ आप हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव हमारे ई विद चैनल नंबर टेन पर और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त तो फिलहाल आप हमें लाइव यूट्यूब पर नहीं देख पा रहे हैं बट लेटर ऑन ये सेशन हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल पर भी अपलोड होगा एंड यू कैन वॉच इट एंड यू कैन सेव इट फॉर योर रेफरेंस जी तो हमने आपको बताया कि फिलहाल तो आप हमें लाइव दे रह, देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर टेन पर दैट मीन्स कि हमारे ये सेशन है हमारे क्लास टेन के स्टूडेंट्स के लिए और जो सब्जेक्ट आज हमने लिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज लाइक बाई मैनी सोशल साइंस डिफरेंट पार्ट्स है इसके और आज जो हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे दिस इज लेसन नंबर फोर ऑफ योर बुक पोलिटिकल पार्टीज तो अगर आज के आपके सेशन से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हैं तो प्लीज आप हमें रीच आउट कीजिए हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं आपके एग्जाम्स से जस्ट द कॉर्नर और आप उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं सो so, हम बात करेंगे पोलिटिकल पार्टीज के बारे में और इस पर हमें चर्चा में मदद करेंगी हमें समझाएंगी कॉन्सेप्ट हमारी आज की गेस्ट वी हैव दास मिसेस अशोशिका भदौरिया Welcome to the session, ma'am. Thank you, Harpreet. And ma'am is lecturer of political science from SKV Mayur Vihar. Or, with that, If you want to call us, please take down our phone number, which is double eight double zero double Apart from this, you can send us your questions, your uh, suggestion, feedback, anything, any doubt that you would like to clear regarding the topic on our email ID. And our email ID is. डी और आप नोट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल एन सी आर टी ऑफिशियल जिसमें लेटर ऑन आप इस सेशन को देख सकते हैं इट विल बी अपलोडेड इन टाइम सो स्टूडेंट्स और व्यूवर्स मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने सुना भी है और आप देखते भी हैं अपने पेरेंट्स को अपने सिबलिंग्स को नेबर्स को वोटिंग करते हुए जब जाते हैं तो बट क्या है पोलिटिकल पार्टीज क्या सिग्निफिकेंस है इसका हमारी कंट्री इंडिया में जो हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये सब हम जानेंगे बट और क्या जानेंगे ये हम मैम से पूछते हैं मैम क्योंकि बहुत कुछ है आज के टॉपिक में इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एक अम्ब्रेला टर्म है पोलिटिकल मैम एग्जैक्टली आज हम क्या क्या समझने वाले हैं बिल्कुल हरप्रीत जैसे कि आपने मेंशन किया इंडिया इज द बिगेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी इन द दर्ल्ड और किसी भी डेमोक्रेसी को जीवंत रखने के लिए वहाँ आवश्यक है कि वहाँ चुनाव हो जी और चुनाव के एक्चुअल प्लेयर्स कौन हैं चुनाव के एक्चुअल प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दल राइट तो क्लास टेंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है hmm. इस पे हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं कैसे कैटेगराइज किया जाता है जी भारत में क्या दलीय व्यवस्था है हाँ जी अगर इतनी बड़ी बिगेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है तो चैलेंजेस भी होंगे समस्याएं भी होंगी right, तो किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं उनके क्या सोल्यूशन होते हैं हुँ. हम इस पर right, तो फिर हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है पोलिटिकल पार्टीज मैम इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि जब हम बात करते हैं पोलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल के बारे में तो इससे हम क्या समझते हैं तो हरप्रीत पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन पर्पस कॉमन पर्पस कॉमन गोल्स इन माइंड एंड दीज पीपल दे कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि समाज से ही उदय होती हैं तो वो समाज के ही कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करती हैं hmm. उनको एक्सप्रेस करती हैं तो ऐसा कहें कि वो एक पार्टनरशिप है एक सोसाइटी के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी राइट right. तो हम ये समझ चुके हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप ऑफ पीपल मैम पॉलिटिकल पार्टीज तो आपने बहुत अच्छे से डिफाइन की लेकिन हम एक और टर्म सुनते हैं प्रेशर ग्रुप्स जी तो ये मैम एग्जैक्टली exactly क्या है क्या ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है एक अलग कॉन्सेप्ट है प्लीज मैम थोड़ा बताएं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन uh, रेज किया आपने हरप्रीत क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं जी. कि दबाव समूह में और राजनीतिक दल में डिफरेंस क्या है तो दबाव समूह जो होते हैं या जिनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं होती okay. जबकि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इलेक्शन कमीशन एक रिकॉग्निशन देता है hmm. साथ ही साथ में दोनों के पर्पज सेम है जैसे प्रेजर ग्रुप्स चाहते हैं कि जो उनके उद्देश्य हैं उनको रूपांतरित किसमें किया जाए पॉलिसीज के रूप में उनको ट्रांसलेट किया जाए hmm. तो वो अलग अलग टैक्टिक्स के द्वारा सरकार के ऊपर प्रेशर एक्सप्रेस करते हैं जो राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनका मेन एजेंडा क्या होता है कि किसी भी तरीके से पब्लिक ओपिनियन को आर्टिकुलेट करके पावर को ग्रेस्प करना सत्ता को हासिल करना सत्ता हासिल करके उन्हीं पॉलिसीज को फिर फ्रेम करना और लागू करना जी तो यही मेन डिफरेंस है इनकी में कि पॉलिटिकल पार्टीज एस्पायर टू हैव पावर वेर एज प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट They just dissolve दे जस्ट डिजोल्व और दे बिकम लेटेंट वेर ऑब्जेक्टिव राइट मैम आपने अभी एक चीज parties means पार्टी election commission of India उनको एक identity, एक recognition देते हैं और हम देखते हैं कि जब हम political पार्टी की बात करते हैं तो उसमें पार्टी का एक नाम होता है पार्टी का एक सिम्बल होता है और उसका एक नेशनल हेडक्वार्टर उसका ऑफिस होता है तो मैम ये सिंबल क्यों होता है नाम क्यों नहीं काफी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप जानते हैं भारत की जो जनता है उसमें कितने लिट्रेट है, कितने हैं हैं तो साधारण जनता या लेमैन को अपने अनुसार राजनीतिक दल को पहचानने में जो मदद मिले जी तो वो एक पॉलिटिकल सिंबल उनको रिजर्व पॉलिटिकल सिंबल एलोकेट किया जाता है कि चुनाव चिन्ह के ही दम आप देखेंगे कि ईवीएम में भी आजकल

सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोन होता है द लीडर लीडर जी जो जो सबको मार्गदर्शन देता है एक विजन और मिशन देता है हुँ. साथ ही साथ में राजनीतिक दल में होते है, members, हैं हैं एक्टिव मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते पॉलिटिकल पार्टीज की सदस्यता को बढ़ाने के लिए जी. उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हुँ. और फिर होती है आम जनता या फिर फॉलोअर्स right. जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं इसलिए राजनीतिक जो दल होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यह है कि वो पब्लिक ओपिनियन या जनमत को शेप करते हैं उनको आर्टिकुलेट करते हैं फिर जैसा कि मैंने बताया hmm. चुनाव लड़ते हैं चुनाव लड़ते हैं और कोशिश करते हैं सत्ता प्राप्त करने की बहुमत हासिल करने की hmm. साथ ही साथ में अगर बहुमत हासिल हो जाता है तो फिर सत्ता में रहते हुए hmm. वो अपने जो एजेंडा पे चुनाव लड़े थे उनको पॉलिसीज में कन्वर्ट करते हैं hmm. सरकार बनाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दल बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो वो एकदम ही पावरलेस हो गए नहीं दे कैन प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ द अपोजिशन ओपोजिशन विच कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी एक तरीके से देखा जाए द पॉलिटिकल पार्टीज दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट सो दे आर वेरी नेसेसरी यस तो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं और जो पोलिटिकल पार्टी कोर्स विन करती है गवर्नमेंट फॉर्म करती है ये तो हम जानते ही हैं लेकिन मैम आज जो हमारी कंट्री है या हम हम एक डेमोक्रेसी में हैं क्योंकि हमारे पास वोटिंग पावर है सिटीजन का वोट मैटर करता है यहाँ पर हमारी कंट्री के सेटअप में पोलिटिकल पार्टीज का क्या रिलिवेंस है ये नेसेसिटी क्या है इसकी बिल्कुल आपको पता है इंडिया इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये प्लूरल सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी अगर प्लूरल सोसाइटी है तो हर धर्म जाति भाषा बोलने वाला व्यक्ति रहता है उनकी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं तो हर एक राजनीतिक विचारधारा को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक राजनीतिक दल भी बनाया जा सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज दे गिव अ वाइड ऑफ ऑफ इन उम्मीदवार होते हैं इतने आ, अगर मतदान करने वाला मतदाता जाता है तो वो अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकता है साथ ही साथ में पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में मैंने जैसे बताया कि ओपोजिशन में भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है हुँ. क्योंकि वो जनता को अवगत कराती है सत्तारूढ़ पार्टी की पॉलिसीज़ में क्या क्या कमियां हैं क्या वो पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग है कि नहीं जी. तो इस तरीके की अवेयरनेस फैलाना भी कार्य राजनीतिक दलों का ही होता है फिर पॉलिसी मेकिंग में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ऐसा देश जहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है वहां पे अराजकता का शासन होगा क्यों क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को चैलेंज करने के लिए कोई होगा ही नहीं होगा ही नहीं बिल्कुल तो ये आपने मैम बहुत ही एक अच्छी बात बताई कि पोलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी हैं क्योंकि अदरवाइज हम कहेंगे ये तो एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी दिल्कुल, दिल्कुल। क्योंकि वहां पर एक जो सिटीजन है जिसको किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से प्रॉब्लम है ग्रुप ऑफ सिटीजन का प्रॉब्लम है तो अपने ग्रीवेंसीज वो कन्वे ही नहीं कर सकते वो रादर ज़्यादा ओप्रेस्ड है सप्रेस्ड हैं और बहुत ही मजबूर है वही सब फॉलो करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ग्रुप उनसे फॉलो करवाना चाहता है अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं आपने बोला कि हमारा देश भारत इतना बड़ा देश है मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक और इतना बड़ा एक डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वो भी बहुत अलग अलग तरह की होंगी तो मैम थोड़ा हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हैं क्योंकि कई बार मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनके मुझे नाम पता भी नहीं होते कई बार नई नई पार्टीज आ जाती है तो मैम प्लीज थोड़ा बताएं जी जी जैसा कि हमने बात की कि पोलिटिकल पार्टीज सरकार की नीतियों में एक ट्रांसपेरेंसी लाती है और सत्तारूढ़ जो सरकार होती है उसको अकाउंटेबल करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम मोटा मोटा कैटेगराइज करें तो एक दलीय व्यवस्था किसी भी देश में एक दलीय व्यवस्था हो सकती है दो दलीय व्यवस्था हो सकती है और बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है hmm. तो वन पार्टी सिस्टम या एक दलीय व्यवस्था कैसी सरकार हो गई hmm. उस देश में एक सरकार होगी जो कि और वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा ना वो टोटेलिटेरियन होगा जैसा कि आप अंदाजा ही लगा सकते हैं अगर विपक्ष का अभाव है इसका मतलब सत्ता पक्ष चाहता है कि जितनी ओपोजिंग आवाजें हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए जी। तो इस प्रकार का सिस्टम हम चीन में देख सकते हैं कोरिया में देख सकते हैं वियतनाम में देख सकते हैं बिल्कुल रही बात टू पार्टी सिस्टम में तो टू पार्टी सिस्टम में मेजरली क्या होता है कि दो बड़े दल होते हैं और उन्हीं के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है जी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छोटी पार्टी एक्जिस्ट नहीं छोटी पार्टीज पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शंस, लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाती वो सरकार नहीं बना पाती इसलिए वो विपक्ष में बैठती हैं। तो इस प्रकार का जो टू पार्टी सिस्टम है ये हम यूएसए में देख सकते हैं तथा यूके में देख सकते हैं यूएसए में सत्ता ट्रांसफर होती है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के बीच में और ब्रिटेन में होती है लेबर्स और कंजर्वेटिव के बीच में फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पे दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता है और आई थिंक ये सबसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है क्योंकि जनता के पास बहुत सारी इसमें चॉइसेस uh, होती हैं फिर कभी कभी मल्टी पार्टी सिस्टम में कई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं क्योंकि उनको लगता है अंदेशा होता है कि वो पावर ग्रहण नहीं कर पाएंगी तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम अलायंस या फ्रंट्स कहते हैं वर्तमान में जो रूलिंग अलायंस है वो है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जी, जी। जिसमें जो मेन पार्टी है दैट इज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सो exactly. so, मैम अब हमने बात तो कर ली कि किस तरह की पार्टीज होती हैं पर ये कॉन्सेप्ट समझ के हमें इतना जरूर पता लग गया है कि वन पार्टी सिस्टम ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं टू पार्टी सिस्टम ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है और क्योंकि मेजोरिटी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता एकदम पता लग जाता है mm. और जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी में क्योंकि हर किसी को अपनी आवाज़ आगे रखने का हक है और हर कोई अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ के लोगों की जो कंसर्न्स हैं उनको आगे रखते हैं तो इसलिए रीजनल पार्टी से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कहीं पर रीजनल पार्टीज ये रीजनल पार्टीज ही एक्चुअली नेशनल लेवल पार्टीज भी लेटर ऑन बनती हैं जब ये पॉपुलर होती हैं अब मैम जब इतनी चीज़ें हैं आपने एक और चीज़ बताई कि भाई कोलिशन करना पड़ता है गवर्नमेंट yes. क्योंकि yes. जरूरी नहीं है कि जब इतनी सारी पार्टीज और वोट्स बढ़ जाते हैं कि एक पार्टी को मेजोरिटी मिले और हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो टू थर्ड मेजोरिटी गेन करना बहुत जरूरी है टू फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी जी सिंपल मेजॉरिटी yeah. और ये मम जरूरी नहीं है कि हमेशा हो एक पार्टी के साथ yes. क्योंकि इतनी पार्टीज हैं तो जब इतने चैलेंजेस हैं और इंडिया एक डेमोक्रेसी है और हमें लोगों के वेलफेयर और जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से फॉलो करना है तो चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे बिल्कुल तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो हम देखते हैं और इन चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया इतने अच्छे से फ्लरिश करता बिल्कुल। बहुत अच्छी है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि पार्टीज बहुत सारी हैं इलेक्शन कमीशन पार्टीज को रजिस्टर करता है और रिकॉग्नाइज करता है और उसने एक सेट क्राइटेरिया सेट कर रखा है हुँ. कि कितनी पार्टीज गेन करने पेट ठीक है पर रिकॉग्नाइज पार्टीज की संख्या कम है रिकॉग्नाइज कब की जाएंगी जब वो एक सर्टेन अमाउंट में वोट्स को हासिल कर पाए okay. तो इस तरीके से स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज स्टेट पार्टी वो पार्टीज होती है जो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में छह परसेंट वैलिड वोट को पोल कर सके hmm. या दो सीट भी हासिल कर सकें तब वो उस राज्य की स्टेट पार्टी कहलाएगी hmm. जबकि नेशनल पार्टी कौन सी होती है जो लोकसभा चुनाव में hmm. या फिर विधानसभा चुनाव में टोटल जो वैलिड वोट्स पोल्ड हैं उसका सिक्स परसेंट वोट हासिल कर सकें hmm. और साथ ही साथ में चार लोकसभा की सीट्स भी हासिल कर सकें hmm. तो वो फिर नेशनल पार्टीज कहलाती hmm. जी नेशनल पार्टीज जैसा कि आपको पता ही है नेशनल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट्स दे पोल्ड ये अपना स्टेटस खो भी सकती है okay. और समय समय पे चुनाव आयोग इसको रिव्यू भी करता है जी. कि अब पार्टी कौन सी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए तैयार है hmm. या कौन सी नेशनल पार्टी अब रिड्यूस कर दी जाएगी स्टेट पार्टी के रूप में okay. तो नेशनल पार्टी जैसा की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नेशनल पीपल्स पार्टी ये अभी नेशनल पार्टीज़ हैं और 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ने तीन राजनीतिक दल से राष्ट्रीय नेशनल पार्टी होने का दर्जा छीन लिया तृणमूल कांग्रेस द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जी क्योंकि हम देखते थे कि सीपीआई बेसिकली दो पार्टीज थी वन इज सीपीआई एंड वन इज सी एम या करेक्ट जी करेक्ट और हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है हुँ. उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया जिस तरह नेशनल पार्टीज हैं, उसी तरह हमारी स्टेट पार्टीज भी हैं। तो जैसे बीजू जनता दल जो कि ओडिशा में है हुँ. सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलुगु देशम पार्टी इस तरह कई सारी पार्टीज जो राज्य में ही सक्रिय हैं इनमें से आपने नाम सुना होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में सक्रिय है शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब में सक्रिय है तथा साउथ की दो मेन पार्टीज डीएमके तथा एआईएडीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम जो की तमिलनाडु में सक्रिय हैं सो so ये एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं कि किन पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ का दर्जा देना है और किन को स्टेट पार्टीज़ का दर्जा देना है और वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ वोट्स जो उन्होंने हासिल किए उस पर डिपेंड करता है जो परसेंटेज मैम ने आपके साथ शेयर करी तो मैम मैं ये एक और एक क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ प्रोविजन हम उसके हिसाब से चलते हैं लेकिन ये सब चीजें भी जानने के बाद अब समझ आता है कि चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है दिल्ण? तो मैम क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमारी कंट्री में क्योंकि हम मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इसके बारे में बताएं जी जी तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी एंड डायवर्सिटी तो आ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इतनी विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं भारत के अंदर उसी प्रकार उनके एस्पिरेशंस भी डिफर करते हैं तो लोगों के अंदर जो एस्पिरेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना राजनीतिक दल का काम है जी तो वहां पे क्लाशेज भी होते हैं अब आप देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जैसे सबसे सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हमारी भारत की है कांग्रेस पार्टी जो एटीन में बनकर तैयार हुई तो उन पार्टीज में कई बार शिकायतें होती हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव होता है इंटरनल hmm. डेमोक्रेसी का अभाव इसका मतलब यह हुआ कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि किस तरीके से सदस्यता दी जाती है लोगों को hmm. क्या उनकी जो आ, मासिक मीटिंग्स होती हैं, वार्षिक मीटिंग्स होती हैं, वो होल्ड की जाती हैं कि नहीं उस, उसकी कोई खबर नहीं होती hmm. साथ ही साथ में बहुत आवश्यक है कि पार्टीज के अंदर अध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष के लिए सचिव के लिए बिल्कुल टाइमली चुनाव हो जी तो इस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में नहीं पाई जाती ये बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने साथ साथ ही में मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग ओके तो ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर है जो एक भारत के दूर दूरस्थ गांव में रह रहा है और एक पार्टी से अपनी अपनी रखता है वो शायद कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैं कभी इस पार्टी कैडर में ऊपर राइज हो पाऊंगा क्यों क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर फैमिली एक पर्टिकुलर खानदान उस पर अपना वर्चस्व कायम किया है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में साथ ही साथ में आप जानते हैं अगर चुनावों का बिगुल बचता है तो साथ ही साथ में करप्शन का भी बिगुल साथ में बच जाता है सो द ग्रोइंग चैलेंज इज द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस आप जानते हैं कई राजनीतिक दल हैं जो मतदान कहने को तो आचार संगीता लग जाती है। hmm. लेकिन आचार संहिता के बावजूद भी आचार संहिता की बात करी एंड करेक्ट मीफ आई एम रॉन्ग की जब मैंने जो पढ़ा था जो मैं जानती हूँ की इलेक्शन का जो वोटिंग का जो दिन है उसे think, 48 पहले तक एक्टली exactly. आप कैंपेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद कैंपेनिंग नहीं होगी क्योंकि दो दिन जो हमारे जो भी हम लोग हैं जो आम आदमी है जैसे वोट करना है आम नागरिक उसको सोचना समझना होता है कि वो किस पार्टी की तरफ जाए किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपने एरिया से चुने जो उस कॉन्स्टिट्य से, से खड़े हैं तो आई थिंक मैम यही होता है गया, सचार संहिता बिल्कुल आचार देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सभी राजनीतिक दल तैयारी करने में लग जाते हैं उनको इलेक्शन कमीशन पूरी फ्रीडम भी देता है कि भाई आप तैयारी करें लेकिन आचार संहिता लगने के बाद दे आर सपोज टू स्टॉप दैट प्रोपागैंडा क्योंकि अब जनता को भी तो समय देना है hmm. एक माइंड सेटअप करने के लिए कि भाई अगले दो दिन के अंदर चुनाव है और मैंने क्या फैसला लिया hmm. तो उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना प्रचार बंद करना पड़ता है पर इसका उल्लंघन पैसे होता ही रहता है किसने किसी ये मैंने भी नोटिस करा है और ये वाकई आपने सही कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्कुल बिल्कुल and then people do not find parties to be meaningful choice for their votes hmm. sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one mm -hmm. party to another आपने दल बदल की बात सुनी होगी भारतीय राजनीति में हाँ तो यही वाली बात है कि इतनी सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में तो उसमें चैलेंजेस भी हैं बिल्कुल और ये भी होता है कि ये बिल्कुल जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पार्टीज के उन पर डिपेंड करते हैं उनको पूरी फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट पार्टी से आप रिजाइन कर सकते हैं और वो उसके पीछे जो कारण है वो उनके अपने इंडिविजुअल उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं अब मैम चैलेंजेस हैं तो डेफिनेटली उन चैलेंजेस का कोई रेजोल्यूशन भी होगा रिफॉर्म्स भी बहुत करने जरूरी हैं ताकि जो हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है वो फ्लरिश करता रहे हम देखते हैं कि समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि जो लॉज बाय लॉज अब अपसिट हो चुके हैं या जो उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनको चेंज किया जाए उनको अमेंड किया जाए लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर हम ऐसे कौन से रिफॉर्म्स मैम देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी में बिल्कुल पार्लियामेंट uh, ने संविधान संशोधन करके एंटी डिफेक्शन एक्ट ऐड किया फिफ्टी अमेंडमेंट एक्ट में भारतीय संविधान में टेंथ शेड्यूल जोड़ा गया जी. जो क्या प्रिवेंट करता है कि जो इलेक्टेड एमएलए और एम हैं वो दल बदल ना करें या डिफेक्शन ना करें हुँ. अब दल बदल को हम हॉस्ट ट्रेडिंग भी कह सकते हैं हुँ. और दल बदल कब होता है जब आप ए पार्टी से टिकट लेके चुनाव में लड़े और जीतने के बाद आपने बी पार्टी में स्विच कर लिया बिल्कुल अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप स्विच करते हैं तो आप डिस्टेबिलाई कर रहे हैं उस पार्टी को को जो ऑलरेडी सरकार बना चुकी बिल्कुल, है बिल्कुल। तो इस प्रकार से डिफेक्शन डिफेक्शन रोकने के लिए एंटी साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऑर्डर्स दिए हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स को रोका जाए उसके लिए उसने कई ऑर्डर्स पास किए हैं द इलेक्शन कमीशन हैज एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पोलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इसका मतलब सिस्टम को ज्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है और संसद भी सक्रिय है जी तो ये तो मैम हमने देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं ताकि ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है जो एक इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है इनको तो खत्म किया जा सके मैम पार्टीज कैसे खुद को रिफॉर्म कर सकती हैं टाइमली बिल्कुल देखिए अगर कोई भी राजनीतिक दल को बार बार सत्ता में आना है तो बहुत आवश्यक है वो जिस एजेंडा पे चुनाव लड़े हैं वो उसको फुलफिल करें सत्ता में आने के बाद और बहुत आवश्यक है कि वो अपने पार्टी के मेंबरशिप को बढ़ाएं सदस्यता को बढ़ाएं इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो तो जिस तरीके से इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनको रेगुलेट करने के लिए कानून होने चाहिए साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण का युग है भाई तो हर राजनीतिक दल को कम से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व करके रखनी चाहिए जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की भी सहभागिता हो Hmm. फिर जैसे कि आपको पता है चुनावों में काली मनी को सफेद मनी uh, में कन्वर्ट करना है तो सबसे अच्छा मौका है कि भाई चुनाव में लगा लो hmm. इसलिए बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकारें सक्रिय हों एंड देर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन नॉट इन कैश बट इन काइंड साथ ही साथ में पीपल कैन ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन पब्लिसिटी एंड एजुटेशन और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी क्या कर सकती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता को बढ़ाएं इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड मतलब जन सहभागिता बहुत जरूरी है बिल्कुल जन सहभागिता बहुत जरूरी है और इसके साथ ही समय भी अब हो चला है कि हम इस सेशन को रैपअप करें लेकिन मैम बहुत ही अच्छे से आपने ये चीज़ें बताई कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और मैम मेरा एक आपसे और क्वेश्चन है जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनड डेमोक्रेसी तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि इनमें डिफ्रेंस क्या है और इंडिया में हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं बिल्कुल जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की या जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि जनता सीधे हुँ. सरकार को चुनने में अपनी भूमिका निभाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है स्विट्जरलैंड और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या हो गई जब जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजती है और वो उम्मीदवार या वो प्रतिनिधि जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अगले पांच साल उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके हाँ तो एग्जांपल है बट तो तो हमारी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी और इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैम हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू इतने अच्छे से सारा सेशन कंडक्ट किया और इतने